दिया था तो मैं उसको बोला यार कितना परसेंट ठीक होगा, कितना हुआ होगा कि नहीं होगा। मेरा वर्कर पे मैं चल रहा हूँ, 12 महीना 10 महीना हो गया, अभी तक नहीं छूटा है। तो बोलता है वो क्या छूट जाएगा, 1-2 महीना और मेहनत करो छूट जाएगा। तो फिर अभी तो मेरे को वही बताया था कि पैडल मंगा लीजिए, 1-2 घंटा पैडल चलाइए। हाँ साइकिल ही, साइकिल वाला वो जो आता है वो फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं। हाँ तो पैडल मारता हूँ 1 घंटा सुबह शाम चलाता हूँ। तो बोला ये वाला कीजिए, थोड़ा पंजा में आ जाएगा पावर ना, तो फिर वार्कर भी छूट जाएगा। हाँ। तो बोले चलो भाई मेहनत तो करने का, आपको कुछ काम बचा है नहीं मेरे पास कि कोई काम करेंगे। जो पैर न है तो दुनिया में कुछ नहीं है। नहीं यार अभी अभी कुछ काम भी नहीं कर सकते, कोई काम भी नहीं देगा ये हालत में ना। कहाँ देगा, तुम घर से बाहर नहीं होगा तो घर बैठे काम कौन सा है, कोई काम है? तब तब वही बात है, वही बात है। और बताइए, ये सब एक चीज मैं आपको सलाह दे देता हूँ। तो इंदिरा आवास दबा देंगे, 5,000 रुपया खर्च है, तो ये सब चक्कर में नहीं फंसिएगा किसी का? नहीं 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 नहीं, ये सब अब ये सब के चक्कर में रहा हम नहीं रहते। तो हम देखते हैं खाली अपना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को क्या लेवल है, वो कितना इसका मोटिवेशन हो रहा है, कितना इसका बेनिफिट मिल रहा है, कौन सा नहीं। तो हम ठीक हो गया रहते ना, हम मेरा उम्र उस टाइम कम था ना, और इतना टाइम बिता दिया डॉक्टर हमको बितवा दिया ना। हाँ नहीं भी ऑपरेशन करवाते फिर भी हम ठीक हो जाते। 17 साल समझते हैं ना, 17 साल के उस टाइम बहुत छोटा थे उस टाइम ना। तो और उस टाइम शादी भी अब कुछ नहीं हुआ था, तो क्यों नहीं ठीक होते? इतना बड़ा बड़ा ठीक हो जा रहा है, इतना कुछ हो जा रहा है, लेकिन डॉक्टर मेरे साथ लापरवाही किया ना। डॉक्टर कहाँ के था, झारखंड के? हाँ झारखंड रांची। वही सलाह देता आपको खाली एक्सरसाइज का ना, तो बिल्कुल सही हो जाता। एक्सरसाइज बोलता बेटा, अब हमको बेटा बोलता था एक्सरसाइज, खाना पीना छूट जाएगा, एक्सरसाइज नहीं छोड़ना ये बोल दिया रहता। और आधा एक घंटा में आप करवट लेते रहना है। बेड शोर से बच गया रहता, जो बेड शोर से 10 साल 12 साल जो परेशान हुए। अब कितना परसेंट सुधार हुआ अभी? क्या कितना परसेंट आप सुधार हुए हो? ज्यादा 40-50% सुधार हुआ है। बैल को उठना बैठना नहीं कर पाते थे कुछ नहीं, अब वो उठ बैठ लेते हैं। वार्कर पकड़ के खड़ा हो जाते हैं? वार्कर पकड़ के खड़ा होते हैं, लेकिन घुटना लोग अभी नहीं है हुआ। तो घुटना नहीं लोग हुआ है ना? हाँ। तो उसका एक्सरसाइज कौन सा करता है? नील, उसको बोलता है मतलब इंग्लिश में नील लॉक। ओए पैर को मोड़ना वाला करते हैं, मोड़ने सीधा करना। नहीं मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। हाँ घुटना जो है ना, उसको घुटना लॉक लाना चाहते हो तो उसका मोटिवेशन करना पड़ेगा आपको कि पैर सोते हो क्या चीज पे, चौकी पे सोते हो? हाँ चौकी पर। चौकी पर ही सोने का, और पतला बिछौना बिछावन रखने का, ज्यादा मोटा गद्दा नहीं बनाने का। हाँ और उसपे दोनों पैर लंबा करके और कमर को मोड़ के बैठ जाना है। कमर के मोड़ के बैठना है ना, सो के पैर को मोड़ना है? नहीं सो के पैर सीधा करना, मोड़ना सीधा करना है जितना होए। हाँ वो वही तो कर रहे हैं। दिन भर में 10 बार 5 बार 2 बार जितना वो आपको होता है उतना टाइम मिलता है उतना करने का। हाँ वो तो कहा कर रहे हैं, पैर को मोड़ रहे सीधा कर रहे हैं। वो तुम्हारा क्या पावर आएगा जानते हो, मतलब मोड़ना और फेंक सीधा करना, वो पावर अलग आएगा, समझ गए? हाँ और नील लॉक घोटना जो कटोरी होता है ना, हाँ हाँ उसमें पावर लाना हमको है, तभी जाके घोटना लॉक होगा। हाँ हाँ उसमें पावर किस तरह लाना है वो आपको हम बता रहे हैं। हाँ कि दोनों पैर लंबा कर दीजिएगा, ठीक? हाँ और कमर मोड़ के बैठ जाने का। हाँ ठीक है, दोनों हाथ तो तुम्हारा दोनों काम करता है। हाँ लेकिन पैर पर हम नहीं बैठ पाते हैं ना, पैर पर नहीं बैठ पाते हैं। अरे भाई पैर लंबा रहेगा ना बिस्तर पर। हाँ पैर लंबा रहेगा तो आपका कमर नहीं मुराता है, मोड़ के नहीं बैठता है इसे आदमी गोड़ पसार के। हाँ गोड़ पसार के बैठते हैं लेकिन पैर मोड़ के नहीं बैठ पाते हैं। पैर अभी नहीं मुराएगा, अभी उसका एक्सरसाइज पूरा मसाज करोगे ना। हाँ
तब जाके वो पैर मुड़ाना चालू होगा। हाँ, करोगे तब होगा, अभी नहीं होगा। उस टाइम लगेगा, एक्सरसाइज छोटा 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 बहुत प्रकार के एक्सरसाइज है, उतना करोगे तो फिर पैर भी मुड़ाएगा। तो हम आपको जो बता रहे हैं कि बस उसी तरह पैर लंबा कर करके वो जो तकिया होता है ना, घुटना के नीचे तकिया रख देने का, और दोनों हाथ से दाबना है, वो घुटना का कटोरी है ना, उसको दाबना है, छोड़ना है, दाबना है, छोड़ना है, और अंदर से मोटिवेशन करना है, मतलब ये कि हम ये काम कर रहे हैं। समझ गए? अंदर अंदर दिमाग से ले जाना है वहाँ पर, अंदर से हमको लेना है कि जांग उठा रहे हैं और घुटना को नीचे तरफ दाब रहे हैं। नीचे तकिया मतलब देखिए, तकिया मोटा होता है, रुआ को होता है, तो जब 10% भी उस पर पावर आ जाएगा ना कि दबा रहा है तकिया, आपको ब्रेन सोचेगा कि हम दाब रहे हैं। ठीक है, जितना हो उतना दाबने का, दोनों पैर को 10 बार इसको, 10 बार इसको, जितना बार हो दिन भर में। दो टाइम, तीन टाइम, चार टाइम, हम लोग तो 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं शाम को ही, इसके अलावा दिन भर नहीं करता। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 11 बजे चल के आया बाहर से, तो अभी बेड पे आया, खाना खाया। नहीं आपको, आप चल रहे हैं ना, तो ज्यादा चलने से आपको फायदा है, ज्यादा चलने से फायदा है। हाँ नहीं, चलने से भी फायदा कब आएगा, जब पूरा एक्सरसाइज चालू रहेगा तभी। चलने से कोई मतलब नहीं होगा, पैर फेंका जाता है, अभी क्या फायदा हुआ। पैर तो मेरा बस में नहीं ना, पैर इसे लटक रहा है, वर्कर पर चलता हूँ तो पैर लटक जाता है। पंजा जो है ना वो लटक जाता है। तो आपको हम बता रहे हैं कि उस तरह एक्सरसाइज करोगे तो नीलोक चालू होगा। ठीक है ठीक है। और जो पंजा आपका फुल ड्रॉप हो गया होगा? नहीं, 1 तो 3 उंगली है मेरा एक पैर का, और एक पैर का नहीं है। एक पैर में उंगली है ये ना? नहीं, एक पैर में ना 3 उंगली फुल ड्रॉप है, और एक पैर पूरा बिल्कुल सही है, फुल ड्रॉप नहीं है। फुल ड्रॉप नहीं है वो पंजा इसका? हाँ, ज्यादा ताकत लगाते तो कभी कभी मुड़ता है। चलो ठीक है, भगवान करे। और ऐसे नहीं तो उसका भी जूता आता है क्लिपर, देखे जूता? देखे हैं? हाँ हाँ देखे हैं। तो उसको पहन के चलिए, उसको पहन के सोइए। तो उससे क्या होगा, फुल ड्रॉप आपको नहीं होने देगा पंजा। समझ गए? और एक्सरसाइज कीजिए सुबह शाम 3 बार, जितना आपको हो पाए। बांस का रेली बनाए हो? बांस का? हाँ हम लोहा पाइप का बनाए हैं। उसमें चल लेते हो? हाँ, क्लिपर पहन के चलते हैं। चल नहीं पाते, पैर घिसट का चल रहा है, अभी चल नहीं पाते हैं। हाँ मतलब धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, देखिए यहाँ है क्या, हम लोग के जो चीज कोशिश करेंगे वही चीज होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिससे आप करना चाहते हो ना, औसत 10 दिन 5 दिन करोगे तो 1 दिन होना चालू हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अगर इसे सोता रहिएगा तो फिर सोए सोए और बिगड़ जाएगा, और हालत खराब हो जाएगा, टेकनेस से पूरा शरीर भर जाता। हाँ तो चलो ठीक है। हाँ वही अब बोल रहे हैं ना, वीडियो आप चलिएगा तो वीडियो भेजिएगा हमको। वीडियो है मेरे पास, क्या करेंगे वीडियो? वीडियो वो डालेंगे, वो चढ़ाएंगे, उस भाई लोग देखेगा, मोटिवेट होगा, आपसे बात करेगा। जो भाई रिकवरी नहीं लाया, जो छोड़ दिया, बिल्कुल बोलता है एक्सरसाइज करने से कुछ रिकवरी नहीं आ रहा, तो मोटिवेट है, उससे मिलेगा। कोई दवाई उवाई भी खाते हैं?